पुलिस ने नेहरू मैदान को लिया अपने कब्जे में, लगाया खड़ा पहरा। टी राजा की सभा के लिए आज सुबह नहीं होने दिया भूमि पूजन। सभा के आयोजकों ने पुलिस के साथ की दो राउंड की चर्चा, पर नहीं मिली अनुमति। आयोजक बिना अनुमति भी सभा लेने की जिद पर अड़े, हो सकता है टकराव। शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान को आज सुबह ही अमरावती शहर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया तथा राजकमल चौक और जयस्तंभ चौक की ओर से नेहरू मैदान में जाने वाले दोनों प्रवेश द्वारों पर बैरिकेड्स लगाते हुए वहां पर पुलिस का खड़ा पहरा लगा दिया गया है, ताकि पुलिस के अनुमति के बिना नेहरू मैदान के भीतर कोई भी प्रवेश ना कर सके। पुलिस द्वारा यह एहतियाती कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सकल हिंदू समाज द्वारा आज सुबह नेहरू मैदान पर विधायक टी राजा सिंह की सभा के आयोजन हेतु भूमि पूजन किए जाने की घोषणा की गई थी, जबकि शहर पुलिस द्वारा अमरावती में विधायक टी राजा सिंह की सभा के आयोजन हेतु अनुमति देने से पहले से ही इनकार कर दिया गया है। वही आज सुबह भी आयोजकों द्वारा शहर पुलिस ने अधिकारियों के साथ सभा के आयोजन हेतु अनुमति मिलने के लिए दो राउंड की चर्चा की, और इस चर्चा के दौरान भी शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभा के आयोजन हेतु अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी कल 11 फरवरी को अमरावती में विधायक टी राजा सिंह की सभा का आयोजन करने को लेकर अड़े हुए हैं तथा सकल हिंदू समाज की ओर से नीलेश चंद्र मुनि महाराज ने पुलिस की अनुमति नहीं रहने के बावजूद भी विधायक टी राजा सिंह की सभा का आयोजन कल अमरावती में होने का ऐलान किया है। बता दें कि सकल हिंदू समाज की अगुवाई में कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हैदराबाद के विधायक व फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह की नेहरू मैदान पर सभा 11 फरवरी को आयोजित करने की घोषणा की गई है, परंतु इस सभा के आयोजन हेतु अब तक पुलिस द्वारा अनुमति ही प्रदान नहीं की गई, जिसके चलते सभा का आयोजन अधर में लटका हुआ पड़ा है। वही गत रोज आयोजकों की एक बैठक एकवीरा देवी मंदिर के सभागृह में बुलाई गई थी, जिसमें आज सुबह नेहरू मैदान पर सभा स्थल का भूमि पूजन करने का निर्णय लिया गया था। इस घोषणा के मद्देनजर आज सुबह से नेहरू मैदान पर अमरावती शहर पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था, जिसके तहत नेहरू मैदान से राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक की ओर निकलने वाले रास्तों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग हो गई थी, जहां पर जैसे ही सकल हिंदू समाज के कुछ पदाधिकारी पहुंचे तो उन्हें शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व गणेश शिंदे से चर्चा करने हेतु सिटी कोतवाली पुलिस थाने भिजवाया गया। कोतवाली थाने में सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों की पुलिस अधिकारियों के साथ दो दौर की चर्चा हुई, और दोनों ही बार पुलिस अधिकारियों ने अमरावती में टी राजा की सभा को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे लोकेश चंद्र मुनि महाराज ने आरोप लगाया कि पुलिस किसी दबाव में आकर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने लगभग ऐलानिया अंदाज में कहा कि भले ही पुलिस द्वारा आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन कल अमरावती में विधायक टी राजा सिंह की सभा तो होकर ही रहेगी। ऐसे में यह तय है कि विधायक टी राजा सिंह की सभा को लेकर आयोजकों व पुलिस महकमे के बीच टकराव वाली स्थिति बन सकती है। इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा संभावित टकराव व तनाव को टालने हेतु कौन से प्रतिबंध कदम उठाए जाएंगे, इस और भी सबकी निगाहें लगी हुई है। आम्ही सकल हिंदू समाज सिटी कोर्ट मध्ये हम आए थे श्री राजा सिंह जी की सभा के लिए, परंतु प्रशासन की ओर से कुछ पुलिस वालों के ऊपर दबाव है, इसलिए हमें उसकी परमिशन नहीं मिली है। अब ये हमारी इच्छा है कि कुछ भी हो जाए मगर हम सभा करके रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।